तेबे गोटिए न जाउनो आउ गोटिए लघुचाप नौ तारीख आसुचे आउ एक लघुचाप तेर तारीख बेलू नहीं पारे सामुद्रिक बात्यार रूप। आउ क्यों क्यों जिले में सब यार प्रभाव पड़ पारे ए विषय संपूर्ण खबर जानवापी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। वर्तमान राज्य में लघुचाप जनित वर्षा लग रही बेले आउ एक लघुचाप होगा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विभाग। आसंता नौ तारीख में उत्तर आंडामान और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर एक लघुचाप बलय सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। पाणीपाग विभाग ताजा सूचना अनुजाई आसंता नौ तारीख में उत्तर पश्चिम आंध्र और उत्तर उपकूल में लघुचाप घनीभूत होवार संभावना रही। परवर्ती दुई रु तीन दिन मध्य यह डिप्रेसन रूप नेब। यार प्रभाव में आसंता एगार रु तेर तारीख पर्यंत वर्षा लग रही बोली पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर। नौ तारीख पर यह क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर। यह क्षेत्र केन्द्रीय बंगोपसगर में अवपात में परिणत हो पारे। आईपरि तेर अक्टोबर बेलू को ही क्षेत्र सामुद्रिक बात्यार रूप नहीं पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर। तेबे एही क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा आग को अग्रसर होबार संभावना रही। आसंता तीन रु चार दिन मध्य एने स्पष्ट चित्र मिल पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर। आउ एपटे वर्तमान राज्य में जारी रही लघुचाप जो राज्य आहुरी तीन दिन वर्षा लग रही एथ एगार जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन कर। सोमवार राज्य किसी स्थान में वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना रही। कलाहांडी कंधमाल गंजाम अनुगुल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। सेपरि गजपति रायगड़ा बौद्ध पुरी खोर्धा नयगढ़ बलांगीर कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल और सुवर्णपुर जिला को मध्य सतर्क सूचना दीजाई। सेहीपरि आगामी 24 घंटा मध्य कटक और भुवनेश्वर मध्य प्रबल वर्षा होबो बोली कहा जाय छी।